अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तो अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रणजीत निगारा। रणजीत निगारा की टीम जी है वो पाकिस्तान विछड़े हुए गुरधामां की सेवा जी है वह निभा रही है और आप सब संगत के संयोग के नाल आप कार सेवा जी है वह करवा रहे हैं इत्थे। और साढ़े नाल मौजूद ने रुबाब फातिमा चिश्ती जी, वो तुहानू अगे डिटेल दसनगे क्योंकि आप थर्ड फ्लोर के उत्ते पालकियां दा जिहड़ा काम है वह शुरू कर रहे हैं। नाल दी नाल ही अगली जिनी भी अपडेट है वो मुतलक भी किन्ना साइज होएगा किदां दियां होणगियां उहदे मुतलक पूरी डिटेल देणगे रुबाब जी। जी रुबाब जी जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सेकंड फ्लोर पे थे और उसके बाद अब हम छत पे हैं फाइनल फ्लोर, और अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं ये ममटी है द कवरिंग ऑफ द स्टेयरकेस। ये सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो दो दो इंच दूसरे से फ़र्क है उनका। तो प्यारा लगा बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म जैक बन गया। और अब वो जो आपको याद है आपने एक वीडियो अपनी बताई थी कि किसी ने ऊपर पार्ट किया था, नाउ इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस, मतलब वो कंप्लीट हो गया है और फिनिश्ड है और लोग आराम से चढ़ सकते हैं, एक्सेसिबल है और बैठ सकते हैं। क्या आप मुझे इस तरह बैठ के दिखाएंगे जैसे वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इसको क्लाइम करना अभी, लेकिन दिस इज लाइक क्लीन एंड टू गो प्लेस नाउ। लोगों को जितना भी हाइट पे बैठना दैट्स द मैक्सिमम दे कैन गो, और उसमें वो बेअदबी वाला कोई फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि सीढ़ियां नीचे कोई प्रकाश स्थान है उस तरह नहीं है। हाँ जी, सनसेट उधर है, सनराइज उधर है, तो आप दोनों देख सकते हैं, मतलब सनसेट इज द प्रीटीएस्ट। आप इधर बैठे होते हैं आप देख सकते हैं, मैंने हाँ जी आप मुझे दिखाई, लाइक इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब वो नजर आ रहा था मेडिटेट कर रहे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा पूरा व्यू जो है इसका। और इट्स ब्यूटीफुल, मतलब बाकी सारे गुरुद्वारे आप देखते हैं ना, यहाँ बाकी सारी हिस्टोरिकल जगह सबसे ज्यादा अपीलिंग आपको वो लगती है जिनके पीछे एक और हिस्ट्री है जो क्लोज टू नेचर है। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके पीछे 4000 पुराना इतिहास है, ठीक है, और आपका जो आई लाइक जो आपका व्यू है ना दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अभी जिससे आपने टिल्ला जोगियां भी विजिट किया था, इन्फिनिट व्यू है, 360 डिग्री पे आपके पास कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, इट्स जस्ट नेचर। तो उससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि कोई बेहतरीन मेडिटेशन की जगह हो सकती है। So this is one of the few gurdwaras. हाँ वही कह रही, this is one of the few gurdwaras जहाँ पे meditation का margin बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो religious जगह वैसे ही meditation के लिए होती है, आपको सुकून मिलता है उधर आगे, और फिर वो इतनी प्यारी जगह पे है तो you want to stay here for a very long time, मतलब दो दिन तीन दिन बंदा रुके देखे और लाइक पूरी जगह को absorb करे कि किस तरह की, that's a beautiful location. रुबाबसन दसों के कैसे की कर रहे हैं? हाँ जी, अब हम आपको बता देते हैं। सो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, हमने PLC करा दी, वाटर प्रूफिंग, उसके ऊपर फाइनल फिनिश, उसके बाद डोम का पूरा जो बायोफिल्म थी वो रिमूव की है दोबारा। अच्छा, मतलब पिछले आप समझ लें 8 महीने पहले सफाई कराई थी तो अब दोबारा कराई, अब इसका रिपेयर वर्क शुरू होना है। उसमें ब्रिक का वर्क है सारा, रिप डोम्स हैं, स्टूको वर्क है उसके ऊपर की पूरी की पूरी। हम गुंबद की तरफ जा रहे हैं, जैसे नीचे का फ्लोर मुकम्मल होता है ना फर्स्ट, वही बंदे होते हैं क्योंकि जो पालकी पे बैठी है ना गुमटियाँ पालकियों पे, वो गुमटियाँ पालकियाँ करेंगे। उसी की कहते हो कि गुंबद में बहुत ज़्यादा काम करना लगा या गुंबद में? अब हमारी कोशिश जो है ना वो ये है कि जो पुराना बचा हुआ है ना हम बचाएंगे, तो इसमें से ये क्रैक रिपेयर होगा। अच्छा, और पूरा पॉलिश, मतलब उसके बाद एक पूरी फिनिश होगी, बिल्कुल दो सूत्र की एक लेयर चढ़ेगी इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग की लेयर के बाद। गुंबद डैमेज्ड है स्ट्रक्चरली आप कह लें थोड़ा सा, यहाँ से ये पूरा पार्ट जो है ना, हाँ ये है, ये पूरा पार्ट जो खाली है, नीचे पानी जाता है यहाँ से, तो यहाँ से इंटेंशनली ना किसी ने तोड़ा, ये इस पे सीमेंट लगा हुआ था, ये भी आपको सीमेंट के निशान नजर आ रहे हैं, किसी ने रिपेयर वर्क किया ना हमसे पहले तो उन्होंने सेवा में इधर सीमेंट भरा हुआ था पूरा, सीमेंट निकालने में भी मैंने आपको बताया था पीछे से ज़्यादा बिल्डिंग डैमेज। अब यहाँ सारे आपको निशान नज़र आ रहे हैं सीमेंट, अब हम इसको पूरे को निकालेंगे, ये पूरे इसकी पूरी चाल दोबारा डलेगी फिर जाके इसका काम शुरू होगा। उस तरफ से ही चले जाते हैं, अच्छा अब हम हैं इस वक्त गुमटी वाली साइड पे,
ये पहली गुमटी हमारी तैयार होना शुरू हुई है 3 दिन पहले। अब इसकी तैयारी के लिए सारी ड्राइंग खोलें। सबसे पहले आपने ये इसका एक्चुअल साइज है, ठीक है। अच्छा, और इस गुमटी को 3 दफ़ा चेंज किया है और सतप्रीत जो है इज बीइंग एन एक्टिव डिज़ाइनर इन दिस, और उनकी मर्जी के बगैर इसमें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, सो ही इज बीन, मुझे अच्छी बात ये लगती है ही इज वेरी कीन अबाउट एवरीथिंग, चाहे वो गुमटी की आर्च है, कॉलम है, या ओवरऑल गुरुद्वारा। तो इसको 3 दफ़ा चेंज किया है, फिर इसकी पूरी, और हमें मज़े की बात ये लगती है कि वो हमें पूरा ना जस्टिफाई करते हैं कि ये क्यों है रिलीजियसली, ये क्यों है, 12 क्यों आनी है इसमें, डाटे 12 दरी का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 घुमटियाँ क्या रिप्रेजेंट करती है, पालकी क्या रिप्रेजेंट। सो व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली यू आर एबल टू डिज़ाइन बेटर। अब इसमें ये आप देख रहे हैं, मतलब कि ये ईंट बनवाई है आपने या ये नानकशाही ईंट है? अच्छा, ये फर्म है जो ड्राइंग से आपने निकाला है, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग करते हैं निशान। अब दूसरी चीज जो है अभी बल्कि बन ही रहे हैं ये कॉलम्स, फिर आपने इन ईंटों की चाल भी फर्क रखनी है। अगर एक ईंट में आप यहाँ पे छोटी ईंट लगा रहे हैं ना, तो दूसरी जगह पे आप यहाँ पे छोटी ईंट लगा रहे हैं मजबूती के लिए। जितना छोटा गांव है ना उतने टूल्स भी छोटे होते हैं। मतलब आप ये वाली जो है ये वो इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लास्टरिंग, एंड दिस इज अ स्कल्पचिंग टूल, बेसिकली ये स्कल्पचर का टूल है ना, सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग हियर इज स्कल्पचिंग। कितनी छोटी है वो तो तुम ही, बेसिकली गुमटी का जो सारा डिज़ाइन है इट्स गोइंग टू बी ब्रिक वर्क एंड स्टूको ऑन इट, जिस तरह से नीचे आप सारा देख रहे हैं। तो आप जब यहाँ पे देख रहे हैं 4.5 इंच ये ज़मीन में गया सरिया, उसके ऊपर आप जूट चढ़ाते हो ताकि उसके ऊपर स्टूको चढ़ सके, मटीरियल उसके ऊपर ज़्यादा मजबूती से चढ़ सके। ये कल लगे हैं, ये आज लग रहे हैं। हाँ जी, फिर इनके सारा का सारा, अभी तो आप कल नहीं आए हुए थे, कल इसके ऊपर पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ था ऑफ द ड्राइंग विद सूतर। सूतर से जब पूरा जाल बिछता है इसका मतलब ड्राइंग हो गई। आपको नीचे लाइंस दिख रही हैं ना, ये सारी ड्राइंग है, इसकी पूरी ज्योमेट्री अब इस पर बन गई। सो ही नोज के कहाँ पे सरिया लगना है, लाइक उस ग्रीन बॉटल के पास एक पॉइंट है, वहाँ सरिया लगना है, वहाँ पूरे कॉलम्स। हाँ जी, तो वंस द ब्रिक वर्क इज डन, फिर उसके ऊपर दूसरे उस्ताद आएंगे और वो स्टूको वर्क करेंगे, फिर इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। सादिद ये ड्राइंग्स दिखाएं, देखो जी कितनी डिटेल है और कितनी डिटेल है। अब हमने ना अपनी ड्राइंग्स जो हैं वो इधर लाइक प्रिंट करके रखी हुई हैं ताकि इनके लिए, और इसमें आप देख रहे हैं पूरी ग्रिड बनी हुई है, तो यही ग्रिड इन्होंने इधर ड्रॉ की है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना प्लान, वो इधर ड्रॉ, ये वैसे पालकी है, गुमटी का ये गुमटी। तो आप देख रहे हैं इसमें 12 कोले साइड पे कॉलम्स जिनको कहते हैं, फिर पूरी आर्च है, ये सारी सुराही डाल, फिर ये वही कॉलम्स है जो नीचे आप फसाड पे देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, और जो डोम है वो इसका रेप्लिका है, लाइक इसका छोटा वर्जन है डोम। इसको भी आपने सारे एलिमेंट्स जो है ताकि वो लगे कि फेमिलियर है विद द गुरुद्वारा, और ये ओवरऑल लुक होगी इसकी व्हेन इट्स प्लेस्ड। मतलब 2 घुमटियाँ स्केल की आ रही हैं और पालकी स्केल। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव स्टार्टेड, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर कहीं तो पहुंचे होंगे। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अच्छा दिस इज द क्लीनिंग टूल दे यूज, मतलब एज अ ब्रश, ये कॉपर वायर्स हैं, सो दे क्लीन द मटेरियल विद दिस। वो पूरे बेसिकली अमलगमेट किए हैं 3-4 एलिमेंट्स ऑफ द गुरुद्वारा, मेजर एलिमेंट्स जो। प्यारी संगत जी, मैं तो बड़ा लाजवाब होया, भाई सतप्रीत सिंह जी खाली इकोनॉमिस्ट नहीं है गए वो तो बहुत बड़े इंजीनियर भी ने पिछे। मैं कहूँगा क्या, देखो तुसी ए जिहड़ा कॉर्नर है ये गुंबद दा, उस आओ जी पिछे गुंबद नू देखो जी, गुंबद दा डोम जिस तरह है वो दस रहे हैं कि सेम गुमटियाँ का डोम जोड़ा
प्रॉपर मिक्स एंड मैच किया गया कि कोई चीज़ है ना है कि जी कि वक्री नज़र आवे। और यह है जी पालकी साहब, पालकी साहब दिखाओ जी उत्थे जरा। ओके ये माइक ले। बेसिकली इधर पालकी आनी है और वो ऑलमोस्ट गुंबद से 2 फुट नीचे, और पालकी एक्सेसिबल है, मतलब आप पालकी में अंदर खड़े हो सकते हैं अगर आप उसके, हाँ जी, अगर आप उसमें बैठ के, कई बार तो ऐसा होता है मैंने देखा लोगों को कि पाठ कर रहे होते हैं पालकी के अंदर कहीं बैठ के। टोटल इसकी हाइट जो है वो बन रही है 6.5। साढ़े छः लो जी पालकी की जगह। लो जी ये पालकी का प्लेस है और डिज़ाइन है। इस साइड तो तुसी देखोगे कि यह चीज़ नज़र आ रही है, और यह साइड जिहड़ी है यह फ्रंट बहुत ही सोहनी है जी, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होएगी और तुसी इहनू देखोगे इत्थे। वाह जी वाह, यह नाल कह लो तुसी कि जिहड़ी है तुहानू वह इंप्लीमेंट की हुई नज़र आएगी। रुबाब ए चारों गुमटियां जड़ियां ने, और नाल दी नाल पालकी है जड़ी, ये किन्नी क देर लग जाती है देते अंदाजन कोई 3-3.5 ज्यादा नहीं, ये आपके सामने 7 दिन का काम, लेकिन असी तो टाइम दिता है नवंबर में ही कराएंगे। अब 3-3.5 महीने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये 18 घंटे काम है, कल से इन्होंने 18 घंटे काम शुरू किया है, ये सिर्फ 4 घंटे होते हैं। तो अब इनके इन पे डिपेंडेंट है कि ये कहेंगे इन्होंने 24 घंटे काम करना है, हम 24 घंटे करा लेंगे, डिपेंड्स ऑन देम। नाउ हमारे पास हर चीज़ के ऑल्टरनेट है, मतलब अगर एक आर्टिस्ट हैं जो एक गुमटी पे बैठे हैं, हम चाह नहीं रहे कि इन 4 गुमटियों पे 4 डिफरेंट आर्टिस्ट बैठे, हम चाह रहे हैं एक बंदे का हाथ है ना, एक बंदे का हाथ, 19-20 भी ना हो ना। अब उसको एक पालकी पे शायद 2 हफ्ते लग जाएं, अगली पालकी पे उसे 1 हफ्ता लगेगा क्योंकि उसके हाथ से गुजर गई है, गुजर गई, ये फर्क है लेबर का। यस अगी रुबाब जी मैंने दसो कि असी आज दे दिन दे विच ये चीज ते देख ली कि भी साडा केड़ा केड़ा काम, वेदर किन्ना क अफेक्ट कर रहा है, मौसम सानू किन्ना क तंग कर रहा है, या मौसम सानू जेड़ा क्योंकि अभी आप आए हैं सुबह से, आपने पहले देखा है, आप मैं जब निकली हूँ घर से काफी धूप थी, आप पहुंचे हैं एकदम बारिश होने लगी, बारिश के बाद अब सांस नहीं आ रहा, ह्यूमिडिटी लेवल, एक दिन ह्यूमिडिटी लेवल था इधर 72, उस दिन आपको लग रहा था कि आपको बस सांस बंद हो, मतलब ठीक है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्क आप कह सकते हैं, उन्होंने भी मौसम देखे हैं, हम भी मौसम देख रहे हैं, तो मौसम एज सच उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जी। अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो हमारा गुरुद्वारा सूखने में टाइम लगता है, वहाँ पर ज़रा हम फिर हमें टेंशन शुरू, बरसात तो और लड़ी 2-1.5 महीने तो चल रही है, काफ़ी बारिशें हो गई हैं ना, अभी तक ग्राउंड फ्लोर नहीं सूखा है उस तरह से जिस तरह हमें चाहिए। तो गुरप्यारी संगत जी एक होर फैक्टर है जड़ा, क्योंकि मैं फील कर रहा सी कि इतने मैं महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा जिन्ना मैं हाइट के उत्ते आके या कह लो तुम कि ओल्ड स्ट्रक्चर के अंदर आके मैं थोड़ा ना ब्रीथिंग दे भी मसला हों, हूँ भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे एकदम मैं अपनी रिकॉर्डिंग छड़नी पई है, ड्यूटी है कि कुछ जोड़े मसाले ने उन्हों तो मैं इरीटेशन शुरू हो जाती है, तो सो वो चीज़ा जड़िया ने वह बहुत ज़्यादा ऐसा ने फैक्ट कर दियां ने, लोकां दे भी कर दियां ने, काम करन वालियां ते भी कर दियां ने, और डेफिनेटली बिल्डिंग दे आर्किटेक्चर नूं भी कर दियां ने। लास्ट मैसेज कोई रुबाब तुसी जिहड़ा कि जगत संगत नूं देना चाहोगे? लास्ट मैसेज यही है कि कीप लिसनिंग टू व्हाट वी आर टेलिंग यू, देखें पुरानी बिल्डिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर एक फाउंडेशन आपको अवेयरनेस दे रही है अबाउट पुरानी बिल्डिंग्स के उनको किस तरीके से रखना चाहिए, लाइक मेरी रिक्वेस्ट तो ये है, हमें अभी भी लोग आते हैं ना विजिट के लिए और कोई लेबर पास नहीं है तो वो लिख के चले जाते हैं दीवार पे, अपना नाम अपना नंबर ये सब चीज़ें लिखना बंद करें दीवारों पे, हमें नहीं ज़रूरत पड़ने की, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें हैं, फिर जब हम उन्हें साफ़ कराते हैं या रिस्टोर करते हैं आपने नुकसान में डबल हिस्सा डाला होता है। तो पुरानी बिल्डिंग्स आपकी अपनी हैं, उनकी कदर करें, उनको गिरा के नहीं बनाना बंद करें, और उनको रिस्टोर होने दें, और उनको लाइक जब आप कहीं जाते हैं तो उस जगह का तकद्दस पामाल करना बड़ा ज़रूरी है, एक रिस्पेक्ट होती है हर जगह की, एक वज़न होता है, उसको उस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें,
और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रॉपरली थ्रू आउट फाउंडेशन के थ्रू एक मैसेज लेके चल रहे हैं, विच इज़ के हाउ टू प्रिजर्व अ बिल्डिंग. इट्स नॉट एज इफ हम क्या कर रहे हैं या कोई शेखी चल रही है, इधर जी हमने ये कर लिया. दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ रेस्टोरेशन. इट्स नॉट एज इफ कि हम कोई आउट ऑफ द ब्लू काम करें. दिस इज़ वट इट इज़ सपोज टू बी. इस वजह से आपको होना ही ये चाहिए कि स्टैंडर्ड क्यों नहीं है. हम कैसे इतनी जरूरत कर लेते हैं, हम पुरानी 100 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर सीमेंट डाल देते हैं. तो ये अवेयरनेस अगर आप लोगों में आ जाती है तो आप बाकी लोगों को भी बताएं कि प्लीज़ जब आप किसी पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं तो उसकी कदर करें. वो आपका असासा है. दैट्स ऑल वी हैव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. रुबाब, असी तो बहुत घट पाकिस्तान चेंज किया है कि पुरानिया बिल्डिंगों में. मेरा ख्याल है कि कोई 2-3 ही गुरुद्वारे ऐसे ने जो कि दोबारा तो बने ने, जिन्हों दी छत्तां बिल्कुल डिग चुकियां सी, उन्हां नूं वी किसे हद तक कीता जा सकदा सी, पर शायद उस वेले उन्हां लोगों को सोर्स नहीं होणगे करन दे. किसी भी हद तक बचा सकते हैं. मतलब अगर आपके पास, अगर आप मुझे कहते हैं ना, वो जो सामने हिस्टोरिकल साइट है, कि उसके प्लान की बेस पे, जैसे अमरीक प्लाहा का काम आपने देखा है, वो प्लान के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एविडेंसेस मिल जाते हैं, आर्काइव्स मिल जाते हैं, हिस्ट्री मिल जाती है. सो यू आर एबल टू सेव व्हाटएवर यू हैव. गिराना किसी रेस्टोरेशन की किताब में नहीं है. आपके पास 2 ईंटें भी पड़ी नहीं है ना, कीप देम सेफ व्हाटएवर दे आर. अब बड़ी बात है कि फाउंडेशन ने हमें इतनी इजाज़त दी थी कि हम पूरी की पूरी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स उसके बचा सकें. हमने आई थिंक 5 प्रेजेंटेशंस बना के भेजी हैं फाउंडेशन को ऑफ डिफरेंट आइटम्स जो हमें मिले. इन सारी डिगिंग से, यहाँ से डिग किया, पीछे से फ्रेंच ड्रेन डिग की, सारी गुरुद्वारे में से जो डिगिंग्स की हैं, दिए निकले हैं, हड्डियाँ निकली हैं, सरिये निकले हैं, लोहे की चीज़ें निकली हैं, मार्बल प्लेट्स निकली हैं, सारा कुछ प्रेजेंट करके, डॉक्यूमेंट करके फाउंडेशन को भेजा है. अब अगर ये जगह कल को गुरुद्वारा फंक्शनल होता है इंशाल्लाह नवंबर में, ये जगह पूरी प्रिजर्व होएगी. इसके ऊपर पूरा शेड बनेगा जो कि आपका असासा है, बचा हुआ. कल को वहाँ लंगर खाना था, वहाँ सराय थे, डिस्पेंसरी, वट एवर इट वॉज, द बिल्डिंग इज़ प्रिजर्व्ड विद यू. तो आप बता सकते हैं ये हमारा प्लान होता था या इस तरीके से हम बिल्डिंग के बारे में सोचते थे. रुबाब, वैसे एक गल होर है कि चलो इस साइड के उत्ते तो बहुत जोर संगत का चल रहा है पाकिस्तान के उत्ते, लेकिन ईस्ट पंजाब के जिहड़ियां बिल्डिंगा ने, तुसीं देखिया कि सारे के सारे गुरुद्वारे उन्होंने बदल दिते ने, उन्हों का आर्कीटेक्चर ही खत्म कर दिता. सारियां के उत्ते गुमटियां, गुंबद और मीनारे जड़े ने वो अपनी मर्जी ना बना दिते ने. हालांकि वो बड़े सिंपल बिल्डिंगा होंदियां सी, बड़ियां सोहणियां बिल्डिंगा होंदियां सन. तुसीं अगर, क्योंकि आर्कीटेक्चर पढ़ते हो और तुहानू खासा लगाव भी है, और तुसीं तां ही तां अपने थीसिस दा जिहड़ा मेन कह लो तुसीं फोकस सी इस गुरु घर नूं रख्या सी. और मज़ेदारी दी गल है कि मैं जदों हिस्ट्री कवर करन लई निकलिया ते मैं जदों सारियां जगह देखियां ते मैं बाबा गुरु नानक साहिब दे पैर देखे जिते जिते लगे सी, ते मेरा इंट्रस्ट वधदा गया और मैं उस जगह ते चला गया. और तुसी अपना थीसिस दे उत्ते कीता ते अज असी दोवें इस जगह दे उत्ते, दोनों पैशनेट, यानी कि तुसी बींग ए आर्कीटेक्चर और मैं बींग ए हिस्टोरियन, असी दोवें इस जगह दे खलोते हुए हैं. कितने ना कितने तुहानू कोई कड़ी मिलती नज़र आती है कि जिते तुहाडा इंट्रस्ट हुंदा है, तुहानू प्यार हुंदा है, वो जगह अल्लाह ताला भी तुहानू सपोर्ट करदा है. उहदे बारे मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ यू गेट व्हाट यू डिजर्व. तो मतलब मुझे इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं समझ आती. व्हाटएवर आई डिजर्व, आई थिंक आई वर्क्ड फॉर दैट. और अल्लाह, मैं उस वेले अमेरिका सी जदों तुसी एदी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे सी. मेरा थीसिस, हां जी, आई डिड कॉल यू. हां जी, वो बहुत पुरानी, मतलब बहुत पुरानी नहीं, लेकिन पुरानी बात है. पुरानी 6 ईयर, 6 साल पहले. आई ग्रेजुएटेड इन 2018. 2016 विच मैं उत्थे सी ना, यूएसए. ते तुसी उदों सा, मेरा थीसिस मैंने दिया था 2018. मैं 2018 में ग्रेजुएट हुई. तुसी कर रहे सी, वर्क कर रहे सी. मैं क्या उस वेले, जिस वेले मैं उत्थे सी, तुसी इत्थे वर्क कर रहे सी? यस, हां जी, हो सकता है, क्योंकि मैंने काफी सिक बिल्डिंग्स डॉक्यूमेंट किए हैं ड्यूरिंग माय स्कूल इयर्स. उस शौक से ही ना, आप मतलब अपने टीचर को कहते हो यू लाइक अ बिल्डिंग, आप उसकी इजाजत ले दें, फिर आप उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हो. सो आई हैव डन दैट. आई हैव डन आई थिंक 5-6 बिल्डिंग्स, दयाल सिंह पूरी. मैं लाहौर में रहती हूँ ना, तो लाहौर की मैंने काफ़ी बिल्डिंग्स डॉक्यूमेंट की. बींग अज मैं तुम दस देव जी, पातना जी भी लाहौर तो ने और मैं भी लाहौर तो हाँ. ठीक है जी, असी कह लो तुसी कि मैं भी फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट रहा वहाँ, तो फातिमा जी भी कितने कितने आर्ट का भी काम नाल नाल करते हैं. तो सो साड़ी फील्ड आपस मिलती है. गो के मैं अगे हिस्ट्री वाल चला गया और ये हिस्ट्री जो मैं पढ़ना वा या मैं पढ़ाना वा, ये उन्होंने रीस्टोर करके दिखा देंगे ने कि भाई इदा रीस्टोर करी दी है. तो सो मैं स्टूडेंट्स वास्ते भी एक मैसेज इतने है कि प्लीज़ स्टूडेंट्स वास्ते भी एक मैसेज है स्पेशली कि
ਪਲੀਜ਼ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਐਜ਼ ਏ ਅਨਬਾਇਸਡ ਸਟੋਰੀ ਟੇਲਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ 48 ਸਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ 350 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 48 ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਕਸ਼ ਛੱਡੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਭ ਕੋਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ। 48 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਲ ਚੌਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੰਟਿਕਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੀ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ USA ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੀ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ।